जागे रहना। अंतस की धारा में सिर्फ 5 सेकंड रुककर ये पूछ ले कि कौन परेशान है और जो परेशान है उसका क्या छीन जाने वाला है, और जिस चीज के लिए वो परेशान है अगर वो मिल भी जाए तो क्या मिल जाने वाला है। थोड़ी सी जिज्ञासा अपने प्रति रख लेना। बाहर के प्रति हम बहुत जागे हैं लेकिन अपने प्रति बिल्कुल इग्नोरेंट। अंतस आज के इंसान की जरूरत है। बाहर उजाला लेकिन भीतर घोर अंधेरा। ये इम्बैलेंस विदा करते ही हमारा दूसरा जन्म हो जाता है, नई पुलक, नया उत्साह। इसी को कहा पुनर्जन्म, नया जन्म। इसके बिना इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आइए थोड़ी देर अपने ही भीतर उतर जाए, पलके मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। यही है बेस्ट मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ। हर स्थिति, हर हालात को देखना, बस अकड़ता रहना, तुम वर्तमान में रहना, थोड़ा भीतर देखने की क्षमता को डेवलप करना। अवसर मिला है, चूकना नहीं। अपनी तरफ से कोई प्रयास ना हो, तुमने आज तक के जीवन में बहुत प्रयास किया लेकिन प्रसाद नहीं उतरा, अब थोड़ी देर ना करने की स्टेट में रहना, नॉन डूअर हो जाना, केवल इंतजार करना भीतर की राह पर। स्वतः जो हो रहा है वही देखना। दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है, काम, क्रोध, मदमोह, मात्सर्य। काम यानी इच्छाएं, नजर रखिए भीतर बार बार कौन सी इच्छाएं उठती हैं। क्रोध यानी एंगर रिएक्शन, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उठने वाली उत्तेजित भावना। मद यानी नशा, या यूं कहिए चेतना का भाव, चेतना सिकुड़ गई है। मोह यानी किसी से जुड़ ही जाना, ऐसे जुड़ना जिसके बिना हम भीतर से कमजोर और अधूरापन महसूस करें, यानी किसी पर आश्रित हो जाना। मात्सर्य यानी ईर्ष्या, क्या है भीतर। लोभ यानी लालच, ये सब ही तो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं। शरीर इतना परेशान नहीं करता जितना ये सभी। एक बात और, ये सब अलग अलग नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सी चीज ज्यादा परेशान करती है, कोई कहेगा मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, कोई कहेगा मैं बच्चों के मोह से ज्यादा ग्रस्त हूं, कोई कहेगा मैं डरा हुआ रहता हूं शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कोई कहेगा मुझे खाने का लालच ज्यादा जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन मजे की बात यह कि एक संयुक्त परिवार है, ये साथ साथ ही रहते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक किसी एक समय पर आप ज्यादा मात्रा में फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 5 अनुपस्थित हैं। बाकी 5 हैं लेकिन छुपे हुए। तो हमें परेशान करने वाली ये सभी दुश्मन हम सभी के भीतर जन्म से ही बैठ गए हैं, बिल्कुल जम के बैठ गए हैं, क्योंकि हमने भीतर की कभी अंतस की सुध नहीं ली। ध्यान रहे, जब ये सब एक ही हैं, तो इनका कोई एक सांझा नाम भी होना चाहिए। इनका सांझा नाम है अहम, या कहिए माइंड, मैं की भावना, मैं, मेरा। जब हम कहते हैं कि मैं इस चीज से परेशान हूं या ग्रस्त हूं या ये चीज मुझे पकड़े हुए है,
तो उस परेशानी का तुरंत एक हल मिल सकता है। अगर ठीक हम उसी समय सिर्फ 5 सेकंड रुककर ये पूछ लें, कौन परेशान है और जो परेशान है उसका क्या छीन जाने वाला है, और जिस चीज के लिए वो परेशान है अगर वो मिल भी जाए तो क्या मिल जाने वाला है। अगर जरा सा ठहर कर ये जिज्ञासा कर ले तो बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा कि सारे दुश्मन बाहर नहीं, ये हमारे भीतर है। और इन 6 दुश्मनों का नाम है अज्ञान, इग्नोरेंस, पाप, कमजोरी। इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, यानी हम माइंड के हाथ लुट गए। या दूसरे शब्दों में कहें तो जिज्ञासा ना करना, जबकि जिज्ञासा करने से ही तो उत्तर मिलता है। मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों खाया, इसी का नाम तो ज्ञान है। अहम पलता है जिज्ञासा के अभाव में। जिसने ठहर कर जांच पड़ताल नहीं की, उसी के भीतर भ्रम, अंधेरा, पाप, अज्ञान घूमता है, अपने से दूरी बढ़ती है। जो जरा सा रुक गया, जिसने जरा सी अपनी जांच पड़ताल कर ली, वो पाता है कि तनाव हो, लालच हो, डर हो, मोह हो, क्रोध हो, ये तत्काल कम हो गए। मिट नहीं जाएंगे लेकिन कम हो जाएंगे। मिटाने के लिए तो एक लंबी साधना करनी पड़ती है। और यही सवाल ना पूछो तो इंसान अपने ही विकारों के हाथों की कठपुतली बना रहता है और परेशानी का कोई अंत नहीं है। कोई कितना भी परेशान हो सकता है। ध्यान रहे, जैसे जैसे इंसान ने प्रोग्रेस की है वैसे वैसे इंसान का तनाव भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। आम आदमी को जितना तनाव आज से 50 साल पहले हुआ करता था उससे कहीं गुना ज्यादा आज तनाव है। इसीलिए आज मनोरोगों ने डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। कारण यही है कि आज हम बहुत ज्यादा बाहर देखने लगे हैं। बाहर इतनी ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं, बाहर उलझने के तरीके, विषय इतने बढ़ गए हैं कि भीतर जिज्ञासा करने का हमको वक्त ही नहीं मिलता। हम 5 सेकंड को भी कभी ये नहीं पूछ पाते, कौन है जो परेशान है, कौन है वो, किसने उसे परेशान होना सिखाया। जिसकी खातिर हम परेशान हैं वो इतना कीमती कैसे हो गया। अगर वो कीमती है तो उसे खोकर ठीक ठीक मेरा क्या मिट जाना है। नहीं हुआ काम, मेरा क्या चले जाना है, और हो गया तो क्या मिल जाएगा। कुछ मिलता भी होगा, कुछ खोता भी होगा, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन जो खोता है या मिलता है, क्या वो वाकई इतना बड़ा है कि जिसकी खातिर इंसान अपना चैन गवा दे, ये पूछना बहुत जरूरी है। ये माना परेशानी का कुछ तो सबब होगा, कोई ना कोई उसका सार्थक कारण होगा, लेकिन उस कारण की, उस विषय की कुछ सीमाएं तो होंगी। लेकिन हमारे परेशानी की तो कोई सीमाएं नहीं है। कारण होता है छोटा सा, परेशानी होती है इतनी बड़ी, क्योंकि हम जिज्ञासाएं नहीं करते। हम ठहर कर कभी अपने आप से नहीं पूछते कि बात क्या है, कभी अपने अंतस में नहीं झांकते। अच्छा मान लीजिए यही भीतर से आवाज उठ रही है कि भीतर कुछ खोया, कुछ मिटा, कुछ टूटा। चलो कुछ खो ही गया, कुछ चला ही गया, जो भी कर रहे हैं उसमें नहीं मिली सफलता तो क्या चला जाएगा। चलो कुछ चला जाएगा, जितना जाएगा उतनी ही चिंता करें। अब गया 1 यूनिट और चिंता कर रहे हैं 1000 यूनिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेकार का समय व्यर्थ गवाया, जन्म व्यर्थ गवाया। थोड़ी अपनी कीमत पहचान लेना। जीवन तुझको ये बंदे वरदान मिला है,
जो देवता भी पा ना सके वो सम्मान मिला है। जीवन तुझको ये बंदे वरदान मिला है, जो देवता भी पा न सके वो मान मिला है, सम्मान मिला है। क्यों भूल रहा है, क्यों भूल रहा है। देखिए, हम किन चीजों के खोने की परवाह करते हैं, मान सम्मान, रिश्ते, नाते, पूंजी, जो हमारा सबसे कीमती संसाधन है, हम उसके खोने की परवाह जरा कम ही करते हैं। आपको ताजुब होगा, सोचिए हमारा कौन सा कीमती संसाधन है जिसके खोने की परवाह हम कम ही करते हैं, क्या है वो? आप कहेंगे शरीर, यह शरीर से जुड़ा स्वास्थ्य है। फिर से सोचिए, एक जीवित इंसान का सबसे बड़ा कीमती संसाधन कौन सा है? वो है समय, टाइम। टाइम इज माइंड, माइंड इज टाइम। बहुत मजे की बात है ये, क्योंकि हम अपने आप को जीवित एक समय तक ही मानते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा। जीवन यानी समय, सीमा, उसके बाद तो आप अपने आप को जीवित नहीं कहते, मौत आती है और सब फिनिश। उसके बाद तो आप नहीं कहते कि मैं जीवित हूं। तो सबसे कीमती संसाधन क्या है? समय। अब जब आप लाभ और हानि की गणना करते हो तो समय को नहीं जोड़ते, जैसे समय की कोई कीमत ही ना हो। 1000 रुपए की मान लो कोई चीज है, उसकी आप 4 घंटे से चिंता कर रहे हैं, 4 घंटे आप सोच रहे हैं 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 2000, 2000, लेकिन उन 4 घंटों की कोई कीमत नहीं क्या? उसका भी कोई लॉस या प्रॉफिट बनेगा कि नहीं? इंसान का यदि सबसे कीमती संसाधन समय है, तो हम कभी ये क्यों नहीं देखते कि कितना समय चिंता में व्यर्थ जा रहा है? समय बर्बाद करने के लिए कोई उल्टा पुल्टा काम करना जरूरी थोड़ी ना है, बैठे बैठे भी समय बर्बाद किया जा सकता है। और हम कर ही क्या रहे हैं, और बैठे बैठे क्या क्या किया जा सकता है, इसी बात को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। ध्यान रहे, वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। और समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री